हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चिल प्रैंक टीवी। तो आइए एक और नई वीडियो के साथ बॉयफ्रेंड वर्सेस फ्रेंड जोन पे वीडियो देखते हैं। आइए चलिए वीडियो देखते हैं, बाकी बातें वीडियो के बाद। थैंक यू सो मच। आपके पास 10 मिनट हुए? सॉरी, आपके पास 10 मिनट होंगे? एक्सक्यूज मी, आपके पास 10 मिनट होंगे? मुझे आपसे पूछना था, गर्लफ्रेंड के लिए उसका मतलब फ्रेंड ज़्यादा जरूरी होता है बॉयफ्रेंड? ये क्या पूछने की बात है? मैम, मेरी गर्लफ्रेंड थी और उसका 2 दिन पहले मेरे से ब्रेकअप हो गया, तो उसने इम्पोर्टेंस अपने फ्रेंड को ज़्यादा दी, मुझे कम। तो आप मुझे बता सकते हैं कि लड़कियों के लिए उसका बॉयफ्रेंड ज़्यादा ज़रूरी है या फ्रेंड ज़्यादा ज़रूरी है? बीएफ ज़्यादा ज़रूरी है भैया, बॉयफ्रेंड ज़्यादा ज़रूरी है। बॉयफ्रेंड ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली कल मेरा रात को ब्रेकअप हो गया अपनी बंदी, तो उसने कहा कि मेरे लिए मेरा फ्रेंड ज़रूरी है, जबकि वो बोल रही थी कि रात को 1 बजे की मेरा रिचार्ज करा दो 150 रुपये का। मैंने 150 रुपये का रिचार्ज नहीं कराया, उसके फ्रेंड ने करा दिया होगा कहीं से, तो इसलिए उसने कहा तुम मेरा एक काम नहीं कर सकते। मतलब 150 रुपये ज़्यादा ज़रूरी थे उसके लिए? नहीं, अभी तो आपकी कल रात को ही बात हुई है, मैं भी 1-2 दिन के बाद ठीक से नहीं, मुझे ब्लॉक कर दिया ना उसने। तो ब्लॉक ओपन कर देंगे 1-2 दिन में? नहीं, मैं तो उसने कहा कि मैंने पूछा उससे कि तुम्हारे लिए तुम्हारा फ्रेंड ज़्यादा ज़रूरी है या मैं ज़्यादा ज़रूरी हूँ, उसने कहा तुम किसी से भी लड़की से बात कर लेना, वही बता देगी। लड़कियां गुस्से भी कुछ भी बोल देती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो 1-2 दिन में आपसे बात कर लेगी। फ्रेंड अपनी जगह होता है, बॉयफ्रेंड अपनी जगह होता है। नहीं, इम्पोर्टेंस किसकी ज़्यादा होती है? बॉयफ्रेंड की ही होती है इम्पोर्टेंस, तो फ्रेंड्स क्या मतलब। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? मुझे क्या पता, आप उससे पूछो ना। उसने तो ये कहा कि किसी भी लड़की से पूछ लेना, वही बता देगी। अब मैं 2 दिन से इसी चक्कर में पागल हुआ घूम रहा हूँ। मुझे नहीं पता, आप किसी से भी पूछ लो। आपको नहीं पता आपका बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं। सिंगल हो? हाँ। छुट्टी? बॉयफ्रेंड नहीं है। सो नहीं, मैं बता रहा हूँ। वैसे नाम क्या है आपका? क्यों पता नहीं, बड़ा अच्छा नाम है, पता नहीं, यही नाम है मेरा, पता नहीं। तो आपको बिल्कुल नहीं पता? नहीं, देखो इम्पोर्टेंस तो ज़्यादा ज़रूरी बॉयफ्रेंड की होती है, पर फिर भी अगर जब बॉयफ्रेंड की इतनी इम्पोर्टेंस होती है तो फिर वो मतलब फ्रेंड के लिए ब्रेकअप क्यों कर रही है? वो गुस्से में बोल दिया है, एक दो गुस्से में लड़कियां कुछ भी बोल देती है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो सीरियस है। तो मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं है कि वो सीरियस है और उसने बात ना करी फिर नहीं, मैं बताऊंगा ना सीरियस क्यों हो रहा हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं उत्तम नगर में फ्लैट लेकर रहता हूँ, उसके लिए सिर्फ गांव में, मुजफ्फरनगर से हूँ, वहाँ पे गांव पड़ता है मेगा खेड़ी, वहाँ से मैं हूँ, बिलोंग करता हूँ। तो उसके उसने बोला लगभग 2 या 3 महीने पहले कि जब तुम मेरे पास यहाँ नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे से बात क्यों करूँ? सर आपको इतना तो पता ही होगा, सजेस्ट तो कर ही सकते हो आप। मतलब एक लड़का आपसे बात कर रहा है, आप फोन में बिजी हो रही हो, तो मैं फिर भी उसके लिए जो अपने मतलब खेती थी, काम था, वो तो सब कुछ छोड़ के लड़की चूज करना ही नहीं चाहिए। आपने शादी करी है? शादी मतलब नहीं, शादी नहीं करी थी मैं, मतलब थोड़ा उसके लिए सीरियस था, तो मैं उसके लिए वहाँ से यहाँ पे मैं अपने 50,000 रुपये महीना खर्च कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, और उसके बाद भी वो मेरे लिए ऐसा बोल रही है, जबकि मैं उसको सारी चीज़ दिलाता हूँ। नहीं, बंदी को ये तो सोचना चाहिए कि अगला तेरे लिए वहाँ से यहाँ पड़ा है, और मैं कुछ करता नहीं, पूरा दिन मतलब ऐसे ही रूम पे पड़ा रहता हूँ, फ़ोन चला लेता हूँ, नेट चला लेता हूँ। एक बात बताऊँ, ऐसे लड़कों को लड़कियाँ ज़्यादा पसंद नहीं करती। आप पहले खुद अपने पैरों पे स्टैंड होइए, आप खुद अपना कुछ करिए, वो आपके भी। आप एक बात बताऊँ, मेरे पास उसके पीछे आप जितना भागोगे ना वो उतना ही आपसे दूर भागेंगे, और आप खुद अपना स्टैंड लेंगे ना वो जरूर आपके पीछे। नहीं, स्टैंड मैं बताऊंगा ना। हाँ। मेरे पास 200 बीघे जमीन है गांव में। हाँ। जमीन से क्या होता है?
मेरी बात सुनो ना, आप खुद क्या हो, आपकी नहीं, मेरी बात इन लॉज की होगी, आपने खुद नहीं खरीदी ना, पापा की मम्मी की होगी वो तो, मतलब दादा की, परदादा की है। अच्छा छोड़ो, मैं मजाक कर रहा था, आप कैमरे में आए कर दो, प्रैंक करने आया था आपको, वो लग रहा सामने का है। सॉरी, ठीक है, इट्स ओके। कैन आई अपलोड ऑन यूट्यूब? या श्योर, नो प्रॉब्लम। अब तो नाम बता दो। मानसी। थैंक यू मानसी, हाय कर दे मेरे कैमरे में, हाय। सो आई होप गाइज आपने वीडियो एंजॉय की होगी, थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है, थैंक यू सो मच दोस्तों।